नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आगे का एजेंडा। मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। महाराष्ट्र के सियासी रण में नामांकन पूरा हो जाने के बाद भी समीकरण उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं। कल नामांकन का आखिरी दिन था और सियासत के कई उलझे हुए मसले सुलझते हुए लग रहा था कि सुलझेंगे, लेकिन वो उलझते ही रह गए। सियासी पहेलियां अनसुलझी दिखाई दी। महाराष्ट्र में मतदान में सिर्फ 21 दिन बाकी हैं, आप ये जानते हैं, लेकिन सूबे की सियासी बिसात में सीटों की उलट पुलट, फ्रेंडली फाइट, बगावत ने महाराष्ट्र की सियासी पिक्चर उलझा दी है। और अब इस पिक्चर को क्लियर करने के लिए एबीपी न्यूज का महाराष्ट्र शिखर सम्मेलन जारी है, जिसमें अब से थोड़ी ही देर पहले महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम और एनसीपी अजित गुट के अध्यक्ष खुद अजित पवार पहुंचे। और महाराष्ट्र चुनाव को लेकर अजित पवार का बड़ा बयान जो सामने आया कि वो आपको हम बताएं। नवाब मलिक की उम्मीदवारी पर बोले अजित पवार, उन्होंने कहा कि अभी नाम वापसी का इंतजार तो कीजिए, अभी पत्ते नहीं खोलूंगा, मिलकर रास्ता निकालेंगे। इस बात का जिक्र उन्होंने किया कि उन्होंने कहा कि अभी नाम वापसी का इंतजार कीजिए और साथ ही अभी पत्ते नहीं खोलूंगा, मिलकर रास्ता निकालेंगे, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। नवाब मलिक की उम्मीदवारी को लेकर जब सवाल किया एबीपी न्यूज ने, तो उन्होंने कहा कि अभी नाम वापसी का इंतजार कीजिए, पत्ते अभी नहीं खोलूंगा, मिलकर रास्ता निकालेंगे। तो एबीपी न्यूज का महाराष्ट्र शिखर सम्मेलन, जिसमें पहुंचे डिप्टी सीएम अजित पवार। विड्रॉल का दिन 3 बजे जो है वो होने दो, तब आपको पूरा महाराष्ट्र के लोगों के सामने, वोटर के सामने हमारा महायुति का पिक्चर क्लियर दिखाई देगा। तो ये प्रेशर टैक्टिक्स है? नहीं, प्रेशर टैक्टिक्स नहीं। दादा पवार का दबाव है बीजेपी पर कि ये देखो, आप नवाब मलिक को मना कर रहे थे, मैंने तो कर दिया खड़ा। ये देखो, ऐसा कुछ नहीं है, आप बिंदास रहिए, कुछ होने वाला नहीं। बहुत अच्छी तरह से मैं रास्ता, हम सब मिलकर रास्ता निकालेंगे। आप रास्ता निकालेंगे? नहीं, बीजेपी हो या आरएसएस की, जी दाऊद इब्राहिम के साथ उनके तो कुछ रिश्ते हैं। मैंने कहा ना, मैं हम रास्ता निकालेंगे। ईडी ने गिरफ्तारी की थी, इसके बारे में सवाल पूछने का आपको मौका मिला है। विड्रॉल जब 3 बजे खत्म होगा, दिन जो दिन विड्रॉल का है वो खत्म होगा, तब आपका, आपको ये सवाल पूछने का कोई कारण नहीं रहेगा। ऐसा रास्ता हम निकालेंगे। रास्ता निकालेंगे मतलब नवाब मलिक वापस ले लेंगे नामांकन? अभी कैसे पत्ते खोलू तब, तब। तो डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के अजित पवार को आपने सुना। इसी पर मृत्युंजय मेरे साथी जुड़ चुके हैं और जानकारियों के साथ, आइए सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। मृत्युंजय, नवाब मलिक की उम्मीदवारी को लेकर जब सवाल किया हमने, तो वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए, अभी पत्ता नहीं खोलूंगा, मिलकर रास्ता निकालेंगे। किन पत्तों की बात कर रहे हैं अजित पवार और क्या संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं नवाब मलिक के नामांकन से महायुति में खटास तो आई है और कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं और शिवसेना शिंदे गुट के नेताओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। याद कीजिए कि यही बीजेपी और शिवसेना के नेता हैं जिन्होंने नवाब मलिक पर आरोप लगाया था कि ये तो दाऊद इब्राहिम का आदमी है, दाऊद इब्राहिम की संपत्ति का खरीद फरोख का आरोप लगा था, ईडी का आरोप लगा और ईडी के बाकेस के बाद 15 महीने जेल रहना पड़ा था। तो इस प्रकार के अगर आरोप लगा रही है बीजेपी, तो क्या बीजेपी का झंडा लगाकर मानखुर शिवाजी नगर में प्रचार होगा? तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के गले नहीं उतर रही है और इसीलिए कल बीजेपी नेता आशीष सेलार ने ये बयान भी जारी कर दिया कि हम महायुति की तरफ से नवाब मलिक का प्रचार नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति है। अब अगले 5 दिन 4 दिन का समय है, अब तो नामांकन भरा जा चुका है, अब 4 तारीख तक का समय है कि नामांकन जिसको वापस लेना है वो वापस लेगा। अब ऐसे पर अजित पवार अपने बड़े नेताओं से, सहयोगी दलों के नेताओं से बैठक करेंगे, मुलाकात करेंगे और कुछ बीच का रास्ता निकालेंगे। अगर हम बात करें मुंबई की मानखुर्द शिवाजी नगर सीट की, वहां अबू आजमी चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से, सामने नवाब मलिक है और वहां शिवसेना से सुरेश पाटिल ने नामांकन भर दिया है, यानी महायुति के 2 नेताओं ने नामांकन कर दिया। तो कहीं ना कहीं मुश्किलें तो बढ़ने वाली हैं, तो इसका हल निकालने के लिए फिलहाल पत्ते नहीं खोल रहे हैं, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि इस पर मंथन किया जाएगा और किसी न किसी को मनाने की कोशिश की जाएगी। जो नवाब मलिक हैं, उनकी बेटी सना मलिक भी उनके पड़ोस की सीट है अनुशक्ति नगर, वहां से चुनाव लड़ रही हैं, तो शायद उन्हें कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा कि परिवार का एक ही सदस्य चुनाव लड़े और वो नामांकन वापस करे। लेकिन नवाब मलिक जिद पर अड़े हुए हैं कि वो अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। आपको बता दें कि जिद पर अड़े हैं कि वो भी चुनाव लड़ेंगे। अब क्या नाम वापसी के दिन का इंतजार है? क्या नाम वापसी वो कर लेंगे, अपना नाम वापस करेंगे? इस पर लगातार नजर है। हालांकि जो अभी फिलहाल वो ऐसा करते हुए तो दिखाई नहीं दे रहे, वो अड़े हुए हैं कि उनको विधानसभा का चुनाव लड़ना है। लेकिन नवाब मलिक को लेकर महायुति के घटक बीजेपी और एनसीपी में ठनी हुई है। बीजेपी लगातार नवाब मलिक की उम्मीदवारी का विरोध कर रही थी और कल जब उन्होंने नामांकन दाखिल किया
तो उसके बाद बीजेपी ने एक बार फिर दो टूक शब्दों में विरोध जताया और ऐलान किया कि वो नवाब मलिक के लिए प्रचार नहीं करेगी। नवाब मलिक यांच्या उमेदवारीबद्दल भारतीय जनता पक्षाची भूमिका हीच आहे की भारतीय जनता पक्ष नवाब मलिक यांचा प्रचार करणार नाही, प्रचार करण्याचा विषय येत नाही। आमची भूमिका दाऊद आणि दाऊदशी रिलेटेड केस या संदर्भातल्या व्यक्तीच्या प्रचाराची नाही। देखिए, महाराष्ट्र में चुनाव होना अभी बाकी है। नतीजों के बाद पता चलेगा कि इस बार किसकी सरकार महाराष्ट्र में बनेगी। अजित पवार जब एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में आए तो उनसे ये भी पूछा गया कि अगर महायुति को बहुमत मिल जाती है तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री। अजित पवार ने क्या कहा वो आपको बताते हैं। अजित पवार ने कहा कि चुनाव बाद तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अजित पवार ने यह भी कहा कि जीत महायुति की ही होगी। दावा करते हुए कि महायुति की सरकार बनेगी, लेकिन मुख्यमंत्री को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये तो चुनाव के बाद, नतीजों के बाद ही तय होगा कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ दावा ये कर दिया कि महायुति की सरकार महाराष्ट्र में बन रही है। खाली 20 दिन ही बाकी रहे और किसको मुख्यमंत्री बनाना, क्या बनाना, अभी आज के वक्त एकनाथ राव शिंदे चीफ मिनिस्टर है, उनके नेतृत्व में हम महायुति के, हमारी महायुति लोगों के सामने जा रही है। आज वो चीफ मिनिस्टर है। रिजल्ट्स लगने के बाद हम बैठेंगे, सब सोचेंगे और उसके बारे में भी डिसीजन लेंगे। बनना चाहते हैं कि नहीं, या परपेचुअली परमानेंटली उप मुख्यमंत्री बनने तक ही आपका रोल सीमित रह जाएगा? अभी मैं कितने भी बार आपने पूछा तो अभी वो अभी सवाल है ही नहीं। सवाल ये है, हमारा महायुति का गवर्नमेंट लाने के लिए अपने को पूरी सबको कोशिश करके मेजॉरिटी लानी है। ये हमारा पहला काम है, वो हम करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे। देखिए, महाराष्ट्र की हॉट सीट है बारामती और यहां से एक बार फिर चाचा भतीजा के बीच में चुनावी लड़ाई है। अजित पवार के भतीजे योगेंद्र पवार उनके खिलाफ यहां चुनावी ताल ठोक रहे हैं। इस पर अजित पवार ने बीपी न्यूज से कहा कि सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। जब योगेंद्र पवार को लेकर के उनसे सवाल किया गया कि वो आपके सामने चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं तो उन्होंने कहा कि सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। एक जो पवार परिवार, पवार खानदान की राजनीति की भी बात करूं, चाचा भतीजा की एक लड़ाई तो चली रही है आपकी और शरद पवार जी की। अब आपका भतीजा आपके खिलाफ बारामती में उतार दिया गया है। ठीक है, अभी हुआ है, लोगों के सामने जाना पड़ रहा है, अभी उसमें ऐसा कुछ नहीं है। हर एक को अधिकार रहता है खड़ा होना या नहीं होना। उनको अच्छा लगा कि यही कैंडिडेट मेरे खिलाफ अच्छा लड़ेगा तो उन्होंने खड़ा किया है, उसके बारे में मुझे कोई एतराज नहीं है। अब देखिए, आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र चुनाव पर आज की बड़ी खबर आपको बता दें, महाविकास अघाड़ी की आज बड़ी बैठक होने वाली है। फ्रेंडली फाइट और बागियों पर चर्चा की जाएगी ये कहा जा रहा है, और साथ ही आज महायुति की भी बैठक संभव है। सीएम शिंदे की आवाज पर अहम बैठक हो सकती है महायुति की भी। और देखिए, महाविकास अघाड़ी की आज बड़ी बैठक होने वाली है, फ्रेंडली फाइट को लेकर चर्चा होगी, साथ ही जो बागी ताल ठोक रहे हैं उन पर भी चर्चा होगी। वैभव परब मेरे साथ जुड़ चुके हैं, दोनों ही खबरों पर विस्तार से वो जानकारी देंगे। वैभव, एक और तो महाविकास अघाड़ी की बड़ी बैठक होने वाली है जिसको लेकर भी आप जानकारी साझा कीजिएगा, और साथ ही महायुति की भी कहा जा रहा है कि आज बड़ी बैठक संभव है। देखिए, महायुति को सरकार वापस लानी है, पर इस सरकार लाने के लिए दिक्कत यही है कि तीनों पार्टियों के बगावती है वो एक दूसरे के सामने खड़े हैं। अब पार्टी के गठबंधन के ही लोग एक दूसरे के सामने रहेंगे तो सामना किसके साथ करेंगे। देखो, महायुति वर्सेस महाविकास आघाड़ी का इस बार मुकाबला होने जा रहा है, और ऐसे में राज ठाकरे की पार्टी MNS वो भी चुनाव के मैदान में है। अगर बगावती ही रुक नहीं पाए तो महाविकास आघाड़ी से महायुति लड़ नहीं सकती। अब इसको लेकर है, ऐसा भी कहा जाता है कि ये महायुति की अंदर की प्रेशर टैक्टिक्स है, ये बता रही है कि देखो हम यहाँ पे उम्मीदवार पीछे ले रहे हैं, आप भी यहाँ का उम्मीदवार है वो पीछे ले लीजिए। यानी अगर भाजपा का कोई बगावती है वो अगर पीछे नहीं लेता है तो एकनाथ शिंदे का बगावती भी वहां पे ठान मार के रहेगा चुनाव लड़ने की तैयारी में। यानी ये पूरी दबाव तंत्र की राजनीति है महायुति के अंदर। वही हालत महाविकास आघाड़ी की भी है, एकनाथ शिंदे की
जहाँ पे जो हालत है, वही उद्धव ठाकरे के बगावती भी कांग्रेस के सामने खड़े हैं। लोकसभा चुनाव में सांगली पैटर्न हुआ था, सांगली की जगह कांग्रेस ने मांगी थी, लेकिन कांग्रेस को ये जगह उद्धव ठाकरे ने दी नहीं थी। तो उसी वजह से वहां के विशाल पाटिल है जो कांग्रेस के नेता रह चुके हैं, उन्होंने निर्दलीय चुनाव का नामांकन भरा था और वहां से जीत के आए थे। तो वही पैटर्न है सांगली पैटर्न, वो पूरी महाराष्ट्र में अब महाविकास आघाड़ी की तरफ से हो रहा है। इसी वजह से महाविकास आघाड़ी हो या महायुति हो, दोनों का सरदर्द है वो यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। जी बिल्कुल ठीक है वैभव, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और मृत्युंजय भी मेरे साथ लगातार बने हुए, आइए उन्हीं का एक बार फिर से रुख करें और जाने कि आखिर ये चल क्या रहा है महाराष्ट्र में चुनाव को लेकर। मृत्युंजय देखिए, महाविकास आघाड़ी हो या फिर महायुति हो, दोनों की दल बागियों से परेशान है, ये तो साफ तौर से दिखाई दे रहा है। और आज की जो बड़ी बैठक होने वाली है, इसी पर चर्चा होगी निश्चित तौर पर बागियों से और बगावत से दोनों ही गठबंधन दल परेशान हैं। और इसी को लेकर कांग्रेस महायुति, एक तरफ महायुति की भी बैठक है, दूसरी तरफ एमवीए की भी बैठक है। उसके पहले 10:30 बजे रमेश चेन्नीथला जो कि कांग्रेस के प्रभारी हैं वो एक मीटिंग करने वाले हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, और उसके बाद में एमवीए की बैठक होगी और उसमें रास्ता निकाला जाएगा। प्रयास यही होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर जो नाराज कैंडिडेट हैं उनको नामांकन वापस लेने के लिए कहा जाए और मुकाबला सीधे सीधे तौर पर एमवीए बनाम महायुति होना चाहिए, यही प्रयास है। मैं कुछ आपको बता दूं नाम, महायुति के 5 सीटें हैं जो बड़ी सीटें हैं जहां पर सीधा मुकाबला सिर्फ बीजेपी वर्सेस बीजेपी है या शिवसेना वर्सेस शिवसेना है। जैसे मुंबई की बोरीवली सीट है, वहां संजय उपाध्याय हैं, उनके सामने पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी निर्दलीय खड़े हो गए हैं। उमरेड की सीट है, अंधेरी ईस्ट में इनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की पत्नी है सुकृति शर्मा, वो चुनाव लड़ रही हैं मुरजी पटेल शिवसेना के उम्मीदवार के सामने। चिंचवड़ है, कटोल है, मानखुर शिवाजीनगर जो हमने जिक्र किया, तो इस प्रकार की महायुति की सीटें हैं। और अगर हम बात करें एमवीए की तो पंडरपुर है, परांडा है, सोलापुर है, मुंबई का भायखला है, इसके अलावा वर्सोवा की सीट है, अहमदनगर सिटी की सीट है, रामटेक की सीट है। इस प्रकार से दोनों ही गठबंधन दलों में बगावत और बागियों ने चिंता बढ़ा दी है। आज बैठक होनी है और आज ही नहीं, जरूरी नहीं आज ही रास्ता निकलेगा, दोनों की बैठकों पर लगातार रहेगी नजर। और देखिए दोनों ही दल जो बागी है उनसे परेशान है, अब बागियों को किस तरीके से बिठाया जाए, फ्रेंडली फाइट को किस तरीके से टाला जाए, इसी पर दोनों की लगातार नजर भी होगी और फोकस भी इसी पर किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। बड़ी खबर सामने आ रही है, अभिनेता सलमान खान को फिर से धमकी मिली है, ये बड़ी खबर इस वक्त की। सलमान को फिर से धमकी मिली, 2 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग भी की गई है, जान से मारने की धमकी मिली है एक बार फिर से अभिनेता सलमान खान को। मुंबई ट्रैफिक पुलिस के पास ये मैसेज आया है और कहा गया है कि 2 करोड़ रुपए उनको दे दिए जाएं, अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो सलमान खान को जान से मार दिया जाएगा। ये बड़ी जानकारी मुंबई से सामने आ रही है, कहा यह जा रहा है मुंबई ट्रैफिक पुलिस के पास ये मैसेज आया है 2 करोड़ की फिरौती का और साथ ही सलमान खान को जान से मारने की धमकी का। ये बड़ी खबर, लगातार सलमान खान की सुरक्षा को लेकर उनके फैंस, उनके प्रशंसक बेहद चिंतित, क्योंकि लगातार धमकी उनको मिल रही है। और एक बार फिर से बड़ी खबर, सलमान खान को धमकी मिली, 2 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की गई है और कहा यह गया कि जान से मार दिया जाएगा सलमान खान को अगर 2 करोड़ रुपए उनको नहीं दिए जाते हैं। मुंबई ट्रैफिक पुलिस के पास ये मैसेज आया है जिसमें सलमान खान को एक बार फिर से धमकी दी गई। देखिए सलमान को धमकी लगातार मिल रही है, दूसरी ओर उनके घर की सुरक्षा, गैलेक्सी अपार्टमेंट की सुरक्षा किस तरीके से चाक चौबंद है वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं। सूरज ओझा मेरे साथ जुड़ चुके हैं जानकारियों के साथ। सूरज, ये धमकी किसने दी है, कब ये धमकी मिली, क्या कहा जा रहा है पुलिस की ओर से? जी बिल्कुल, देखिए ये धमकी मंगलवार को आई है। मुंबई पुलिस का ट्रैफिक कंट्रोल का एक व्हाट्सएप नंबर है जिस पर लोग अपना ग्रीवेंस भेजते हैं। अगर मान लीजिए शहर में कहीं ट्रैफिक की समस्या है तो लोग उस पर फोटो निकालकर अपलोड करते हैं जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करती है। ऐसे ही जब ट्रैफिक पुलिस व्हाट्सएप के मैसेजेस को देख रही थी उसी दौरान ये मैसेज उन्हें दिखाई दिया जिसमें मैसेज करने वाले ने दावा किया सलमान खान को वो जान से मारने की धमकी दे रहा है, साथ ही उससे 2 करोड़ की मांग की, ये कहा कि अगर पैसे नहीं दिए तो वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर देगा। इसके बाद इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से मुंबई पुलिस ने लिया है क्योंकि बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई की धमकी के बाद कई ऐसी धमकी भरे कॉल्स और मैसेजेस आ चुके हैं जिसमें कई बार तो ऐसे लोग भी गिरफ्तार हुए हैं जिनका लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई संबंध नहीं था। इस मामले में मुंबई पुलिस फिलहाल FIR दर्ज कर ली है। पुलिस ने दर्ज करने के बाद जो मैसेज करने वाला है उसके नंबर को लोकेट किया जा रहा है कि कहाँ है वो शख्स, कहाँ बैठकर उसने मैसेज किया, उसकी मंशा क्या थी, तो तमाम चीजों की जांच मुंबई पुलिस कर रही है।
जी बिल्कुल ठीक है सूरज, आप लगातार नजर बनाए रखें। मुंबई पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है कि ये शख्स कौन है और ये धमकी उसने क्यों दी है। बड़ी खबर है, डिजिटल अरेस्ट मामले में कमेटी का गठन किया गया है। जांच और मॉनिटरिंग की देखी करेगी ये कमेटी, इस पूरे ही मामले की जांच भी करेगी और मॉनिटरिंग भी करेगी। स्पेशल सेक्रेटरी इंटरनल सिक्योरिटी होंगे समिति के प्रमुख कहा जा रहा है। पीएम मोदी ने, आप जानते हैं कि मन की बात कार्यक्रम में डिजिटल अरेस्ट की चर्चा की थी और इस बात पर सभी को कहा था कि अवेयर रहें, चौकन्ना रहें। डिजिटल अरेस्ट मामले में कमेटी का गठन किया गया है गृह मंत्रालय की ओर से और खबर ये सामने आ रही है कि स्पेशल सेक्रेटरी इंटरनल सिक्योरिटी समिति के प्रमुख होंगे। और पीएम मोदी के मन की बात में इस बात का जिक्र हुआ था, डिजिटल अरेस्ट को लेकर पीएम मोदी ने कहा था कि आप सचेत रहें और इस तरीके से कॉल करके आपके बारे में जानकारी कोई नहीं मांगता है, जो भी एजेंसी होती है मान्यता प्राप्त। और साथ ही ये भी कहा था कि डिजिटल अरेस्ट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में सभी लोगों को अलर्ट रहना है, अवेयर रहना है। और इस मामले में इस वक्त की बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि डिजिटल अरेस्ट को लेकर कमेटी का गठन किया गया, जांच और मॉनिटरिंग को देखेगी ये कमेटी। अब नीरज पांडे मेरे साथ ही जुड़ चुके हैं इसी पर और जानकारियों के साथ। नीरज, जो कमेटी बनाई गई है वो किस तरीके से जांच करेगी, क्या और डिटेल्स हैं? देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में डिजिटल अरेस्ट का जिक्र किया था, जिसके बाद गृह मंत्रालय एक्टिव हुआ और गृह मंत्रालय ने एक कमेटी का गठन किया है। ये उच्च स्तरीय कमेटी है जो डिजिटल अरेस्ट के मामलों की जांच कर रही एजेंसियों की निगरानी करेगी और इसका इसके जो हेड बनाए गए हैं वो स्पेशल सेक्रेटरी इंटरनल सिक्योरिटी हैं, उनको हेड बनाया गया है। और इसका काम ही होगा कि जो डिजिटल अरेस्ट से मामले हैं उनकी जो निगरानी कर रहे, जो एजेंसियां काम कर रहे हैं, उन सभी एजेंसियों की पूरी ओवरऑल मॉनिटरिंग करेगी, जांच करेगी और कमेटी जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपेगी। जी शुक्रिया आपका नीरज इस जानकारी के लिए। ABP News आपको रखे आगे।